नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एट्थ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट नोट्स, जो कि चैप्टर होंगे लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इससे रिलेटेड हम लोग नोट्स को डिस्कस करने आ रहे हैं। एक ही चैप्टर है, मैं सोचिएगा कि एक से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे लैंड क्या होता है, लैंड यूज़ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला लैंड बोला गया है। अब लैंड क्या है? द सर्फेस ऑन द अर्थ विच इज़ सॉलिड। तो देखिए, अर्थ का वो सर्फेस जो कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। और मेनली अगर देखा जाए तो लैंड जो है वो अर्थ पे कितना परसेंट है, 30% जो है सरफेस एरिया वो अर्थ पे क्या है, लैंड है। तो सॉलिड पोर्शन जो अर्थ पे है, दैट इज कॉल्ड लैंड। इसके बाद लैंड यूज़ की बात आती है कि किस तरीके से हम लोग लैंड को इस्तेमाल करते हैं। द वे इन विच अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लैंड इज़ बीन यूज। तो किस तरीके से या किस वे से हम लोग किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी लैंड के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैंड यूज़। नेक्स्ट पे आते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये आपको पता होगा, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों की कटाई करना, ठीक है। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो एफॉरेस्टेशन होता है। तो जैसे पेड़ काटना हो गया डिफॉरेस्टेशन, इसी तरीके से पेड़ लगाना क्या होता है, एफॉरेस्टेशन होता है। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट है पेरेंट रॉक क्या होता है। ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉयल हैज़ बीन फॉर्म। तो देखिए, सॉयल का फॉर्मेशन किससे होता है, तो सॉयल का फॉर्मेशन याद रखिएगा रॉक से होता है, और जिस ओरिजिनल रॉक से सॉयल का फॉर्मेशन होता है उस ओरिजिनल रॉक को कहा जाता है पेरेंट रॉक। इसके बाद आते हैं फ्रेश वाटर पे। तो फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर मतलब होता है साफ पानी, और मेनली साफ पानी वो पानी है जिसमें कोई भी अदर न्यूट्री मतलब कोई भी जो ख़राब चीज़ें हैं वो नहीं पाई जाएंगी, कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं पाई जाएगी, तो उसको फ्रेश वाटर कहा जाएगा। मतलब इसमें मेनली सॉल्ट नहीं पाया जाता है। अब देखिए, वाटर विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो वाटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है, जैसे मान लीजिए हम लोग को ड्रिंकिंग चाहिए, ठीक है, वॉशिंग, क्लीनिंग, इन सब चीज़ कामों के लिए जो वाटर फिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर। इसके बाद वाटर साइकिल क्या होती है। तो वाटर साइकिल आपको पता होगा, वाटर साइकिल एक प्रोसेस होता है जिससे वाटर क्या करता रहता है, वाटर रिप्लेनिश होता है, रीन्यू होता रहता है, ठीक है। इसीलिए वाटर को कैसा रिसोर्स कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो वाटर जिस साइकिल से रीन्यू होता है उस साइकिल को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अब वाटर साइकिल में बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, वाटर साइकिल कहा जाएगा। अच्छा, इवापोरेशन क्या होता है, तो इवापोरेशन याद रखिएगा, जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो जो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। कंडेंसेशन इसी का उल्टा होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैसेज होती हैं, वाटर वेपर जो होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और रेनफॉल या इसको कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे आते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो देखिए, हार्वेस्ट करना मतलब कंजर्व करना एक तरीके से। तो वाटर जो बरस रहा है, मतलब जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल में जो पानी गिरता है, तो उस वाटर को कंजर्व कहना कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग याद रखिएगा कि जो वाटर है उसको कंजर्व करना, ठीक है, और कौन सा वाटर, रेन वाटर को मेनली कंजर्व करना क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। और मेनली देखिए, ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो देखिए, ऐसे एरियाज़ में मेनली इसका यूज़ आजकल किया जा रहा है जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, कि जब भी पानी बरसे तो उसको स्टोर कर लिया जाए, तो कम से कम एक सोर्स रहे वाटर का जिसको बाद में चल के यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं बायोस्फीयर पे आते हैं। बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन। तो देखिए, ये एक जोन है कॉन्टैक्ट का, और किसके किसके बीच में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच का जोन है, ठीक है, जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है, विच इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो याद रखिएगा, बायोस्फीयर कौन कौन से किसका किसका नैरो जोन है कॉन्टैक्ट का, तो ये कॉन्टैक्ट का जोन है किसके किसके बीच में, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब एक तरीके से रॉक जहाँ पे होते हैं उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर देखेंगे तो जहाँ वाटर होता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाएगा। एटमॉस्फेयर देखा जाए तो जहाँ पर गैसेस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जहाँ पे ये तीनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, रॉक हो गया, वाटर हो गए, गैस हो गए, जहाँ पर ये तीनों कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो उस छोटे से जोन को, उस नैरो जोन को क्या कहा जाएगा, बायोस्फीयर कहा जाएगा। इकोसिस्टम की बात आती है। इकोसिस्टम क्या है, द सपोर्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट लाइफ सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर। तो देखिए, जो लाइफ सिस्टम एग्जिस्ट करता है हमारे बायोस्फीयर में, तो उसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। देखिए, जो याद रखिएगा, जो लाइफ है उसको इंटरडिपेंडेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे अगर ह्यूमन बींग का देखा जाए
तो ह्यूमन बींग किस पर डिपेंडेंट है, तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। प्लांट्स किस पर डिपेंडेंट है, तो सनलाइट पर डिपेंडेंट है। इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरी चीज़ों पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सपोर्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट लाइफ सिस्टम। तो सपोर्टिंग तो है ही है और साथ ही साथ इंटरडिपेंडेंट लाइफ सिस्टम भी है। और एग्जिस्ट कहाँ करता है, बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन पे आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो प्लांट और जो ट्रीज़, जो प्लांट और जो ट्रीज़ उस एरिया में होते हैं, किसी भी एरिया में होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है उस एरिया का। नेक्स्ट पाएंगे वाइल्ड लाइफ। देखिए वाइल्ड लाइफ क्या होती है, तो देखिए प्लांट जहाँ पर होगा तो उसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाएगा। एनिमल्स मेनली जो होते हैं, एनिमल किंगडम जो होता है, जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मतलब मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एक्वाटिक क्रिएचर्स मतलब जो पानी में रहने वाले मछली हैं, सांप हैं, सब हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो ये सब किस में आएंगे, तो ये सब आ जाएंगे वाइल्ड लाइफ में। स्केवेंजर क्या होता है, स्केवेंजर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक एनिमल है या एक बर्ड है जो मेनली डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है, मतलब ये डेड चीज़ों को ख़त्म करते हैं खा के, तो इनको क्या कहा जाता है, स्केवेंजर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं टुंड्रा के बारे में बोला गया। टुंड्रा क्या होता है, तो टुंड्रा एक वेजिटेशन का टाइप है और मेनली ये बहुत ही कोल्ड रीजन में पाया जाता है। तो एक एक तरीके का वेजिटेशन है टुंड्रा, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन में पाया जाता है। जैसे कोल्ड रीजन कहाँ पर है, आर्कटिक में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए वो तरीके ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनकी कभी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, ठीक है, मतलब जो कभी जिनकी ऐसे पेड़ जिनकी कभी पत्तियां नहीं झड़ेंगी उनको कहा जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद डेसीडियस फॉरेस्ट आते हैं। तो डेसीडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो डेसीडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो जिनकी पत्तियां झड़ती तो हैं लेकिन साल में सिर्फ एक बार झड़ती हैं, तो उनको कहा जाएगा डेसीडियस फॉरेस्ट। इसके बाद आते हैं वन महोत्सव क्या होता है, तो वन महोत्सव एक सोशल प्रोग्राम होता है और मेनली ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। किस चीज़ में अवेयरनेस क्रिएट करेगा, कि पेड़ों को लगाने की अवेयरनेस क्रिएट करता है, ठीक है। और मेनली इसको स्कूल लेवल और कम्युनिटी लेवल पे इसको किया जाता है, ठीक है, वन महोत्सव। नेक्स्ट पे आते हैं नेशनल पार्क और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे क्या होता है। तो देखिए नेशनल पार्क एक नेचुरल एरिया होता है जो क्या करता है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को, या कह सकते हैं इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी का मतलब एक से ज़्यादा इकोसिस्टम, जैसे आप देखें तो वाटर का इकोसिस्टम हो गया, लैंड का इकोसिस्टम हो गया, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, नेशनल पार्क करता है। तो नेशनल पार्क याद रखिएगा नेचुरल एरिया होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होता है, तो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिमिलर टू अ नेशनल पार्क, तो बिल्कुल नेशनल पार्क की तरह ही होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, बट इट इज़ सपोज टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर एनिमल। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, देखिए नेशनल पार्क में क्या था कि एक से ज़्यादा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। जैसे वाइल्ड लाइफ का आप देखें तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, लैंड एनिमल्स भी प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी वो किसी पर्टिकुलर एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर एनिमल नहीं, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक एरिया में पाए जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंचुरी बनती है दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट पे आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व दीज आर द सीरीज़ ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो ये एक सीरीज़ होती है प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो एक ग्लोबल नेटवर्क से लिंक्ड हैं, ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क है उससे ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या हैं, लिंक्ड है। इंटेंडेड टू डेमोंस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखिए जो रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से कंजर्वेशन भी होता है और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होता है, किसका, एरिया का। ये कह सकते हैं कि एरिया तो डेवलप होता ही होता है और साथ ही साथ यहाँ पर कंजर्वेशन होगा जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं उनका, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, बायोस्फीयर रिजर्व कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ, अब देख लेते हैं कुछ नोट्स के पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी तो इंपॉर्टेंट हम लोग ने कुछ, मतलब ये कह सकते हैं टॉपिक्स देखे, या ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन कंट्रोलिंग द स्टैंडर्ड एंड द वे ऑफ लाइफ द पर्सन लीड एट अ पर्टिकुलर पेस। तो देखिए किसी भी जगह पे अगर आप देखेंगे जो भी लोग वहाँ के रहते हैं किस तरीके से रह रहे हैं या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है वहाँ की लैंड कैसी है। लैंड का मतलब लैंड फर्टाइल है कि नॉन फर्टाइल है, ठीक है, या डेजर्ट एरिया है। सॉयल पे डिपेंड करता है, सॉयल कैसी है, सॉयल मतलब एलुवियल सॉयल है कि ब्लैक सॉयल है कि रेड सॉयल है, इस पे डिपेंड करेगा। वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी है तो जो प्लांट्स होंगे, मतलब जो एनिमल्स होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे या ह्यूमन बींग्स होंगे, तो ये सब अच्छे से रह सकते हैं, इनकी वे ऑफ लाइफ, जो वे ऑफ लिविंग होगी वो अच्छी होगी। नेचुरल वेजिटेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को कहीं ना कहीं एक तरीके से समाप्त कर रहा है, बहुत
सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह पे, इंसान की क्या बताने के लिए कि किस तरीके से क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको बताने के लिए। एनिमल्स हो गया, और यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे प्लांट को लगाने में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं कि प्लांट को काटने में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करता है कि वे ऑफ लाइफ या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पर्सन का कैसा होगा। इसके बाद लैंड पे आते हैं। लैंड क्या है? मोस्ट ऑफ़ द प्रोडक्ट्स दैट वी रिक्वायर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। देखिए, ज़्यादातर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, चाहे वो खाने का मिले चाहे वो रहने का मिले, तो वो सब कहाँ से मिल रहा है? लैंड से ही तो मिल रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लिविंग एवरीवेयर। अब देखिए, आप कहीं भी रह नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आप आर्कटिक में जाके रहें, अटलांटिक में जाके रहें, कहीं पे भी आप रह नहीं सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ एडिशनल कंडीशन एट दैट अफेक्ट्स लाइफ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जो हमको जीवन यापन करने के लिए चाहिए होती हैं। पार्ट्स ऑफ लैंड नॉट सुटेबल फॉर लिविंग आर सेट टू बी इनहैबिटेबल। तो देखिए, ऐसे जो लैंड के पार्ट्स हैं जहाँ पर रहा नहीं जा सकता, उनको क्या कहते हैं? इनहैबिटेबल लैंड कहते हैं। जैसे सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट इतना गर्म है कि वहाँ पर रहना आसान नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर रहा जा सकता है, तो ऐसी जगह जहाँ पर रहा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? इनहैबिटेबल कहते हैं। लेकिन जहाँ पर रहा जा सकता है, ठीक है, जैसे प्लेन्स है, तो उसको क्या कहा जाएगा? हैबिटेबल कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द हैबिटेबिलिटी। अब देखिए, जो रहने की व्यवस्था है, कह सकते हैबिटेबिलिटी मतलब कहीं रहा जा सकता है, तो वो जहाँ रहा जा सकता है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे उस जगह पे रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है। तो सबसे पहला टोपोग्राफी, मतलब वो एरिया कैसा है, ठीक है। इसके बाद हाइट फ्रॉम द सी, हाइट फ्रॉम द सी मतलब समुद्र, सी से या ओशन से हाइट क्या है उस जगह की, मतलब माउंटेनियस एरिया है, डेजर्ट एरिया है, कैसा एरिया है। क्लाइमेट, अब देखिए इससे होता क्या है, हाइट ऑफ सी से होता क्या है, क्योंकि आप बहुत ऊपर अगर चले जाओगे हाइट पे, तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा, तो इंसान को रहना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद लेवल क्लाइमेट की बात करें कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, हार्श मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ का होना चाहिए। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब ये है कि अगर सॉइल फर्टाइल है तब तो वहाँ पे कोई चीज़ उगेगी, और कोई चीज़ उगेगी तभी वहाँ पर लोग रह पाएंगे। वेजिटेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल कैन नॉट लिव इन डेंस फॉरेस्ट और इन डेजर्ट। देखिए, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में नहीं रह सकते, ठीक है, बहुत घने जंगलों में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत घने जंगलों में क्या होगा, पहली बात तो जानवरों की बहुत, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जानवर होंगे, ठीक है, तो वहाँ जानवर की भी कहीं ना कहीं खा सकते हैं या काट सकते हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जानवरों से भी हार्म हो सकता है। और साथ ही साथ डेजर्ट्स में वाटर नहीं है, जिसकी वजह से इंसान का रहना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। दे कैन नॉट लिव ऑन हाई स्लोप्स और इन माउंटेनियस एरियाज़। तो माउंटेनियस एरियाज़ में देखिए लोग रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई माउंटेनियस एरियाज़ में अगर देखा जाए, जैसे अगर माउंट एवरेस्ट पर कहा जाए, तो वहाँ पर लोग नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर इतना कम है कि आप वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद दिया गया है, वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लड। अब जहाँ पर फ्लड आता रहता है, जहाँ वाटर लॉगिंग होती रहती है, मतलब जहाँ वाटर जमता रहता है कि पानी बरसा और भर गया पूरे में पानी, तो वो सब भी जगह ऐसी होती है जहाँ पर इंसान आसानी से नहीं रह सकता। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज़ आर द प्लेसेस वेयर एग्रीकल्चर इज़ सूटेड। अब देखिए, प्लेन जो होते हैं, प्लेन मतलब जो भी जो तल, मतलब जो सीधे एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पर कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, जहाँ पर एरियाज़ बिल्कुल सीधे हैं, प्लेन हैं, ठीक है। और जो रिवर वैलीज़ हैं, ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आप ज़्यादातर जो पॉपुलेशन देखेंगे वो आपको या तो प्लेन्स में मिलेंगी और या तो आपको रिवर वैलीज़ के आसपास की मिलेंगी। इसके बाद आते हैं लैंड यूज़ पे। तो लैंड यूज़ क्या है? द पर्पज़ एंड वे इन विच लैंड इज़ यूज इज़ कॉल्ड लैंड यूज़। तो जिस तरीके से लैंड को यूज़ किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लैंड यूज़ कहा जाता है। लैंड यूज़ मे बी फॉर, अब देखिए लैंड यूज़ हम लोग किस किस चीज़ के लिए करते हैं? तो पहला एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर किस पे होता है? तो लैंड पे तो होगा, समुद्र में तो एग्रीकल्चर जा करेंगे नहीं। इसके बाद फॉरेस्ट्री, मतलब जो फॉरेस्ट उगाए गए वो भी कहाँ उगाए गए? लैंड पे उगाए गए। माइनिंग क्या होती है? तो कोल को एक्सट्रैक्ट करना, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना, इस तरीके से माइनिंग अगर आपको देखी जाए, तो जो कोयला होता है, कोयले को एक्सट्रैक्ट करने का काम कहाँ से होता है? माइन से होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? माइनिंग कहेंगे। और माइनिंग कहाँ पे होती है? लैंड पे होती है। घर बनेंगे कहाँ बनेंगे? लैंड पे ही बनेंगे, समुद्र में तो बनेंगे नहीं। रोड कहाँ बनेंगी? लैंड पे बनेंगी। इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप होंगी? लैंड पे सेटअप होंगी। तो ये सारे क्या है? लैंड यूजेज हैं।
फैक्टर्स डिटरमाइन द लैंड यूज़, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज़ को डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए वो जगह कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, मतलब वहाँ वहाँ पर अगर देखा जाए माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन है, क्या है, तो ये डिटरमाइन करता है कि लैंड यूज़ कैसा वहाँ का हो पाएगा। वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है ये भी डिटरमाइन करेगा कि वहाँ का लैंड यूज़ कैसा है। क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉयल्स हो गए, तो ये सब डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का लैंड यूज़ कैसा होगा, मतलब किस चीज़ों में किस काम के लिए वहाँ के लैंड को यूज़ किया जाएगा। और ह्यूमन फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफी, पॉपुलेशन पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो डिटरमाइन करती है कि वहाँ का लैंड यूज़ कैसा होगा। अब जैसे पॉपुलेशन बहुत ही कम है तो वहाँ इंडस्ट्री लगाने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ायदा लग अब इंडस्ट्री लगा देंगे तो वहाँ लोग ही नहीं रहेंगे, ठीक है। अब जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वहाँ काम करने कौन आएगा, या तो बाहर से लेके आइए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं जो लैंड यूज़ को डिसाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड यूज़ के लिए। आगे आते हैं, आगे देखेंगे तो लैंड, देखिए लैंड मेनली ओनरशिप होती है लैंड में। ओनरशिप का मतलब या तो प्राइवेट लैंड होगा, किसी ने स्वयं ख़रीदा होगा, या कम्युनिटी ने ख़रीदा होगा तो उसको कम्युनिटी लैंड कहेंगे। अब प्राइवेट लैंड क्या होता है, जिसको एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ख़रीदते हैं उनको प्राइवेट लैंड कहा जाएगा। जैसे घर है तो घर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड जो है वो एक कम्युनिटी या सोसाइटी ख़रीदती है तो उसको कम्युनिटी लैंड कहा जाएगा, ठीक है। अब ये किस लिए होता है, तो लैंड का फॉर कलेक्शन फॉर्डर, फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो ये सब कम्युनिटी लैंड है, ठीक है। कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो कम्युनिटी लैंड को और क्या कहा जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। सिंस पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, अब देखिए पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप लोगों को पता ही होगा, द डिमांड फॉर लैंड इज़ इंक्रीजिंग। अब देखिए लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, छत चाहिए, मकान चाहिए, तो मकान बनेगा कहाँ, लैंड पे ही तो बनेगा, इसीलिए जो डिमांड है लैंड की वो बढ़ रही है। और डिमांड जब लैंड की बढ़ती है तो अभी लैंड पे क्या था, फॉरेस्ट थे, तो फॉरेस्ट दे दे करके इसीलिए काटे आ रहे हैं। वेयर एज द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही क्या है, सीमित है। इसके बाद आते हैं लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉयल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर जब मेजर थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट। तो देखिए इन्वायरमेंट को जो मेजर थ्रेट्स हैं वो किस किस चीज़ के हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि लैंड अब धीरे धीरे क्या होता आ रहा है, अनफर्टाइल होता आ रहा है, मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ उगाई नहीं जा सकती। लैंड स्लाइड्स आप लोग ने देखी होंगी, अक्सर जो बहुत तेज़ बारिश होती है किसी भी माउंटेनियस एरियाज़ में, वहाँ लैंड स्लाइड हो जाती है, मतलब पूरा लैंड जो है वो नीचे आ जाता है। सॉयल इरोजन का मतलब भी वही है एक तरीके से, कि जो सॉयल है उसकी कटान हो गई है, सॉयल बह बह के दूसरी जगह चली आती है। डेजर्टिफिकेशन मतलब ये है कि उस जगह की वेजिटेशन, उस जगह का जो भी मतलब ये कह सकते हैं सॉयल है, पूरी ख़राब हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको प्रोसेस को क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही बड़ा थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए। आगे आते हैं, आगे देखिए कहा गया है, ड्यू टू ह्यूज डिमांड फॉर लैंड पीपल हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर। देखिए फॉरेस्ट पे ही तो लैंड बनेगा, अब बहुत ज़्यादा लैंड पे अभी तक फॉरेस्ट हुआ करता था, तो क्या कर रहे हैं लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड की ज़रूरत है, तो उन फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिससे उन फॉरेस्ट लैंड को क्या बनाया जा सके, हैबिटेबल बनाया जा सके, कि उनके उनमें रहा जा सके। और इससे क्या है, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। एफॉरेस्टेशन क्या है, एफॉरेस्टेशन को ग्रोइंग ऑफ ट्रीज़ कहते हैं, मतलब जब ट्रीज़ को उगाया जाता है तो एफॉरेस्टेशन है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्ट, अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको मेथड्स दिए गए हैं जिससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो जैसे एफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ों को उगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करना, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मेनली उनको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की वो ख़त्म हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग, देखिए आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एनिमल्स हैं ओवर ग्रेज कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है उस जगह की वो फल फूल नहीं पाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं द वर्ल्ड सॉयल, अब देखिए यहाँ पर सॉयल की बात करी गई, सॉयल क्या होता है, तो वर्ल्ड सॉयल रिफर्स टू थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। तो देखिए एक थिन लेयर होता है ग्रेनी सब्सटेंस का, कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या करता है, सरफेस ऑफ अर्थ को कवर करता है। अब ये जो सॉयल वाली लेयर है किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है, और वेदर्ड रॉक्स होते हैं जिसकी सॉयल बनी होती है। द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो देखिए जो सॉयल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वेदरिंग प्रोसेस से, याद रखिएगा सॉयल का फॉर्मेशन वेदरिंग प्रोसेस से होता है। फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, देखिए सॉयल फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स आपसे पूछे गए हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स में पहला फैक्टर, मतलब जो फैक्टर दिया गया है सॉयल फॉर्मेशन का, वो दिया गया है कि पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, कैसा है वो पेरेंट रॉक, उस पर डिपेंड करेगा कि सॉयल फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मतलब जो क्लाइमेट है वो कैसा है, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डिसाइड करता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉयल कैसा होगा, ठीक है। अदर फैक्टर्स, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे टोपोग्राफी हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, और कितना टाइम ले रहा है
फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो सॉइल फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसा होगा उस जगह का, सॉइल फॉर्मेशन कितनी तेज़ी से या कितनी धीमे हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल की बात करी गई है कि जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रहा है और उसके कुछ कंजर्वेशन मेथड्स हैं। तो देखिए सॉइल डिग्रेड क्यों हो रहा है, मेनली सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन पोज मेजर थ्रेट्स टू क्वालिटी एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ सॉइल। तो देखिए सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल डिप्लीशन हो रहा है और वो क्या कर रहा है कि जो सॉइल की क्वालिटी है ठीक है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल समाप्त कर देगा। डिग्रेडेशन जो है वो मेनली दो कारण से हो रहा है, पहला जो कारण है वो तो ह्यूमन बींग ने बनाया ठीक है, और दूसरा कारण है जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उससे हो रहा है। अब ह्यूमन बींग्स के जो कारण है वो क्या क्या है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, इंसान ही तो पेड़ों को काट रहा है, नेचर तो पेड़ को काटता नहीं है तो इंसान पेड़ को काटता है, जिससे सॉइल क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और सॉइल कमज़ोर हो गई तो वो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, बह जाएगी। इसके बाद ओवर ग्रेजिंग की बात की जाए तो एनिमल्स बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घास काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा घास खा रहे हैं ठीक है, या ये कह सकते हैं ओवर ग्रेजिंग जानबूझ के कराई जा रही है ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, तो केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इंसान यूज़ कर रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रेन वॉश हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, फ्लड्स हो रही हैं ठीक है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स देखा जाए, फ्लड्स देखा जाए, तो ये सब कैसे कारण हैं, तो ये सब कारण अगर आप देखेंगे तो ये नेचुरल फैक्टर्स हैं, लेकिन बाकी जो कारण थे वो कैसे थे, मैन मेड फैक्टर्स थे सॉइल को डिग्रेड करने के। इसके बाद आते हैं देखिए कैसे इसको कंजर्व किया जाए, सॉइल डिग्रेडेशन को कैसे कंजर्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड दिया गया है, कंटूर प्लोइंग। तो कंटूर प्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ठीक है, नेचुरल बैरियर बना देना जिससे हवा जो है वो आए तो, लेकिन वो कभी भी सॉइल को उड़ा के लेके ना जाए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सॉइल के कंजर्वेशन को इंक्रीज़ करती हैं, मतलब सॉइल को कंजर्व करने में मदद करती हैं। अब देखिए यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स भी लगाने की बात करी गई, जो रोज़ ऑफ ट्रीज़ हैं, रोज़ ऑफ ट्रीज़ मतलब एक पूरी रो बना देना ट्रीज़ की ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो विंड आती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आएगी लैंड वाले एरियाज़ में, तो लैंड के पास जितने भी सॉइल है उनको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो इस प्रोसेस को कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स लगाना। दीज ट्रीज़ आर सपोज टू बाइंड दी सॉइल, और ये ट्रीज़ क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड कर देते हैं, दस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बींग इरोडेड अवे इज। और देखिए मेनली इससे होता क्या है कि जो सॉइल इरोजन है वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा अगर ये सब प्रोसेसेस को यूज़ किया, मतलब ये सब फिनोमेना अगर यूज़ किए जाएंगे, जैसे कंटूर प्लोइंग यूज़ किया जाए, शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाएँ, तो इससे सॉइल इरोजन रुक जाता है। अब वाटर के बारे में देखिए थोड़ी बात दी गई, वाटर रिसोर्स के बारे में, तो वाटर जो है 75% अर्थ पे प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है, वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन जो ओशन वाटर है वो इतना नमकीन होता है, इतना सलाइन का मतलब नमकीन होता है, कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। तो अगर फ्रेश वाटर की बात देखी जाए तो फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% जो टोटल वाटर प्रेजेंट है, मतलब 75% जो वाटर प्रेजेंट है उसका 2.7% जो है वो वाटर क्या है, फिट है ठीक है, मतलब उस वाटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे यूज़ के लायक है। सो वाटर इज़ वेरी स्कार्स, इसीलिए कहा गया है कि वाटर जो है हर जगह है, लेकिन फिर भी वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे प्लैनेट पे। वी यूज़ वाटर फॉर लॉट ऑफ पर्पज़, अब देखिए बहुत सारे पर्पज़ के लिए वाटर यूज़ किया जाता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको जरूर पता होगा कि वाटर जो है वो इम्पॉसिबल, वाटर के बिना लाइफ कैसी है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन क्या है, वाटर शॉर्टेज इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। अब देखिए आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी की कमी ठीक है, पानी की कमी मतलब ग्राउंड वाटर तो बिल्कुल ही ख़त्म होता चला आ रहा है, और ये सिर्फ भारत में नहीं, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में और पूरे वर्ल्ड में ये बात फैली हुई है, मतलब ये कंडीशन फैली हुई है। इट मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन रेन पैटर्न्स, अब देखिए ये मेनली क्यों हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, रेन पैटर्न्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। वाटर सोर्सेज जो हैं उसको कंटेमिनेट करते जा रहे हैं हम लोग, तो इसके वजह से भी वाटर रिसोर्सेज धीरे धीरे करके ख़राब हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। अब देखिए वाटर को सेव करने के लिए स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब ये ज़रूरत है कि हम लोग वाटर को कंजर्व करने के लिए जागरूक बने और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्टेप लेने की ज़रूरत है। वाटर इज़ रिन्यूएबल, अब देखिए वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स तो होता है, लेकिन अगर इसका ओवर यूज़ किया जाएगा, इसको पॉल्यूट किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके समाप्त भी हो सकता है और ये अनफिट हो जाएगा, हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, केमिकल हो गया, अब देखिए आपको पता ही होगा डायरेक्ट नदियों में क्या करते हैं लोग, सीवेज को पूरा डंप कर देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्ट डंप कर देते हैं, केमिकल्स को डायरेक्टली आजकल नदियों में डंप किया रहा है, जिसकी वजह से जो रिवर वाटर है वो भी क्या हो जा रहा है, पॉल्यूट हो जा रहा है ठीक है, और हम लोग वाटर को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो जो दो चीज़ें आती हैं मेनली, पहला नेचुरल वेजिटेशन आएगा और दूसरा क्या आएगा, वाइल्ड लाइफ आएगा। द सपोर्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट लाइफ सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर इज कॉल्ड इको सिस्टम, तो अभी हम लोग ने इको सिस्टम बारे में बात करी थी, वही इको सिस्टम बारे में बात फिर से दे दी गई है।
प्लांट प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ़ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। सब्जी के प्लांट क्या करते हैं, हम लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और मेनली अगर आप देखेंगे प्लांट्स का काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट सॉयल एंड गिव अस मच ऑफ अवर फूड। तो बहुत सारा हम लोग को फूड देते हैं, अनाज देते हैं, ठीक है, क्रॉप्स अनाज भी देते हैं, और साथ ही साथ जो सॉयल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, प्लांट करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ वे। अब देखिए, हम लोग को सिर्फ प्लांट ही मदद नहीं करते, प्लांट ही हेल्प नहीं करते, हमारी हेल्प एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करती हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं। हम लोग को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे हनी में अगर देखा जाए तो हनी भी जो होती है वो हम लोग को हनी देती है, ठीक है। वल्चर जो हो गया, वल्चर कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसी चिड़िया है बहुत ख़तरनाक वाली, जो क्या करती है, एक स्कैवेंजर की तरह करती हैं, और जो भी मरी सड़ी मली मरी हुए फ्लैश होते हैं तो उनको खाने का काम भी कौन करता है, वल्चर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं वेजिटेशन डिपेंड्स। अब वेजिटेशन किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, उस रीजन का टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर करता है, इस पे कौन डिपेंड करता है, मतलब जो उस एरिया का वेजिटेशन कैसा होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा आर द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड। मतलब बहुत अगर मेजर वेजिटेशन की बात अगर करी जाए पूरे विश्व में, तो उसमें फॉरेस्ट आएगा, ग्रासलैंड आएंगे, स्क्रब्स आएंगे और टुंड्रा आएंगे। टुंड्रा भी हमने आपको बताया था, बहुत ही ठंडी रीजन में जो टाइप वेजिटेशन पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टुंड्रा, ठीक है। और अगर फॉरेस्ट देखा जाए तो फॉरेस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, कॉनिफेरस होते हैं, डेसीडुअस होते हैं, भी हम लोग ने कुछ की बातें भी करी थी। ग्रासलैंड जैसे स्टेपीज हो गया, प्रीरीज हो गया, तो ये सब ग्रासलैंड्स हैं। स्क्रब्स जो हैं मेनली वो ऐसे एरियाज में पाए जाएंगे जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। हैवी रेनफॉल की बात करी गई, हैवी रेनफॉल सपोर्ट्स ह्यूज ट्रीज। अब देखिए, बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं उनको हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है। लो मॉइस्चर मीन्स डेंस फॉरेस्ट एंड स्मॉलर ट्रीज़। अब देखिए, जो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मॉइस्चर की मात्रा कम है, मतलब जहाँ पर एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट कम होगा, तो वहाँ पर जो डेंसिटी होगी फॉरेस्ट की वो भी क्या होगी, कम होगी, और वहाँ के ट्रीज़ कैसे रहेंगे, छोटे रहेंगे। डेजर्ट्स में आप लोग को पता होगा पानी की मात्रा बहुत ही कम है, इसीलिए वहाँ पर स्क्रब्स और थॉर्नी श्रब्स उगते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पे, देखते हैं क्या क्या बातें करी गई हैं। देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में अगर देखें तो फॉरेस्ट को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और दूसरा क्या होता है, डेसीडुअस फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी पत्तियाँ, जिन पेड़, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिनमें पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती हैं, तो उनको कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन अगर पत्तियाँ पूरे साल में एक बार झड़ेंगी, एक बार वो अपनी ट्रीज़ को, लीव्स को शेड करता है, तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, डेसीडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करी गई दीज टाइप ऑफ, अब देखिए जो फॉरेस्ट है इनको फिर से डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, एक टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल है। इसका मतलब ये हो गया टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए, ट्रॉपिकल की अगर बात करी जाए तो ट्रॉपिकल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं। ये जो एरियाज़ हैं इनको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरियाज़। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और यहाँ पर हीट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन जो होता है, मतलब जो रेनफॉल होती है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं, इन ट्रीज़ को कहा जाता है, मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं इन फॉरेस्ट को कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और टेम्परेट क्या है, मतलब इसके ऊपर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के एरियाज़ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो नीचे के एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पाया जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, टेम्परेट एरियाज़ मेनली कहा जाता है। देर आर ह्यूज कंसर्न्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ दीज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। बहुत लोग आजकल सोच रहे हैं कि इनको कंजर्व किया जाए, बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, और इसी के लिए क्या क्रिएट किया गया है, नेशनल ये नेचुरल पार्क्स नहीं होगा, नेशनल पार्क्स होंगे, तो नेशनल पार्क्स क्रिएट किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट करी जाती हैं, वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जिससे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अभी हम लोग ने पूरा वीडियो देखा, पूरा ये टॉपिक देखा, जो नोट्स थे, ठीक है, जो क्लास 8th के चैप्टर 2 के हैं ज्योग्राफी के, इसके बाद जितने भी वीडियोस हैं वो पहले से ही पोस्ट कर दिए गए हैं, नोट्स पहले से ही पोस्ट कर दिए गए हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। और बाकी जो नोट्स बचे हुए हैं उसको बहुत ही जल्द पोस्ट कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।